बस सीधे मैं क्या करूँ ना, मैं काम कर पाती थी ना, मैं बच्चों को ध्यान दे पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी गाइस। एक तरफ से जान लीजिए कि मैं डिप्रेशन में आ गई थी, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था गाइस, मैं पागल सी हो गई थी गाइस। आप ही सोचो, अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, आप लोग बस इतना सोचो, अगर क्वालिटी अच्छा नहीं होता है तो आप बताओ उस वीडियो में ऐड क्यों आता है। वेलकम बैक टू सुमिता फूड एक्सप्रेस ब्लॉग। तो गाइस कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, कहाँ मैं एंड करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा मैं पहले एक अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बना के पी लूँ। तो चाय बनाते बनाते आप लोगों से हम अपने दुख शेयर करना चाहते हैं गाइस। तो चलिए आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने अदरक को देखिए खून के रखा है, कूट के रखा है, इसको मैं चाय में डाल देती हूँ। कहाँ से स्टार्ट करूँ गाइस, हमको समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। आप लोग को पता है मैं इस बारे में 2-3 ब्लॉग पहले भी बना चुकी हूँ गाइस। यूट्यूब ने मुझे बर्बाद कर दिया, एक तरह से आप कह सकते हैं यूट्यूब ने मुझे बर्बाद कर दिया है गाइस। मेरा सारा मेहनत पानी में डूब गया। मैंने बहुत मेहनत किया था गाइस यूट्यूब पे, 5 साल तक मैंने मेहनत किया है। वो दूसरा मेरा चैनल था बेस्ट टिप फ्रॉम सुनीता करके, एक मेरा चैनल था गाइस जो मैं 2015 में स्टार्ट किया था। और फिर सडनली पिछले साल यानी कि 2023 में 15 जुलाई को एक मैसेज आता है यूट्यूब की तरफ से कि आपके चैनल को डिलीट कर दिया गया है गाइस। तब तो मैं एकदम से जान लीजिए कि मेरी जान ही निकल गई थी कि भगवान मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और सच में पता नहीं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं, क्यों भगवान क्यों हो रहा है गाइस। तो मेरा चैनल वो डेड हो चुका था। तो मैं हमेशा बस यही चाहती थी कि किसी तरह मैंने जो उसमें वीडियो डाला था, मेरा वीडियो किसी तरह मैं वीडियो में अपना निकालूं। मैं जितना वीडियो कम से कम 2-2.5 हज़ार वीडियो मैंने डाला था, 4-5 साल की मेहनत थी गाइस। आप सोच सकते हैं उसमें मैंने कितना वीडियो डाल चुकी थी, रेसिपीज का वीडियो, ब्लॉग्स का वीडियो, बहुत सारा। तब बस यही तो मैं क्या करूँ ना, मैं काम कर पाती थी ना, मैं बच्चों को ध्यान दे पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी गाइस। एक तरफ से जान लीजिए कि मैं डिप्रेशन में आ गई थी, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था गाइस, मैं पागल सी हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इससे रिमूव होना है, मुझे यहाँ से मूव ऑन करना है, फिर से मुझे मूव ऑन करना है, क्या बताऊँ। तो फिर मैंने 2023 में ही मई को 23 मई, पिछले साल ही 23 मई को मैंने फिर ये नया वाला चैनल स्टार्ट किया जो अभी आप ब्लॉग देख रहे हो, सुनीता फूड एक्सप्रेस ब्लॉग। मैं इस तरह ये टाइटल रखी हूँ क्योंकि मैं रेसिपीज भी बनाती हूँ, मैं ब्लॉग्स भी बनाती हूँ, मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, कई तरीके के वीडियो बनाती हूँ। तो गाइस इसमें भी वही हाल है गाइस, सब्सक्राइबर्स पूरा हो गया, सब्सक्राइब तो गाइस शॉर्ट्स वीडियो से पूरा हो जाता है, बट मेरा वॉच टाइम नहीं हो रहा है, इसमें भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है गाइस। मेरा लग रहा है ये चैनल भी डेड हो जाएगा, मैं क्या करूँ समझ में। मैं हर टेक्निक अपनाती हूँ, ये डिस्क्रिप्शन में लगाओ, ये लगाओ, ये सेटिंग, वो सेटिंग, कुछ नहीं हो रहा है गाइस, टच से मस नहीं हो रहा है मेरे चैनल में, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग प्लीज़ गाइस मेरे इस चैनल को डेड होने से बचा लो, मेरे चैनल में प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग वॉच करो, मेरे चैनल का आप लोग सपोर्ट करो। तो गाइस बात करते करते मेरी चाय बन चुकी है, तो मैं चाय छान लेती हूँ, फिर चाय बात पीते भी आप लोगों से बात करती हूँ गाइस। मुझे वीडियो वगैरह बनाना बहुत पसंद है, मुझे ब्लॉग बनाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा अपना मतलब मन लगा रहता है कि मैं वीडियो बनाऊँ। और अच्छा है ना दूसरों से बात करना, 10 लोगों से गपशप करना, उससे अच्छा कि मैं किसी काम में भिड़े रहूँ। तो मैंने ये वाला रास्ता चुना, क्या गलत है ये नहीं ना, लेकिन पता नहीं क्यों कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है गाइस यूट्यूब में। मेरा चैनल वैसे को 2-4 आप देखोगे यूट्यूब का वीडियो निकाल के 2-3 व्यूज ऐसे आता है गाइस। आप ही सोचो, अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, आप लोग बस इतना सोचो, अगर क्वालिटी अच्छा नहीं होता है तो आप बताओ उस वीडियो में ऐड क्यों आता है। मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है गाइस, लेकिन आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल में, अगर आप लॉन्ग वीडियो यानी कि 2-3 मिनट का वीडियो अगर आप खोलोगे
देखोगे तो उसमें कम से कम 10 20 25 वीडियो में गाइस मेरा ऐड आता है, और इसके वाला ऐड नहीं है जो पूरा एकदम जब तक आपको लास्ट तक देखना पड़ता है वैसा बिना इसके वाला ऐड है गाइस। आप बताओ अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वीडियो अच्छी नहीं होगी तो फिर यूट्यूब उसमें ऐड क्यों देता है, क्यों देता है, ये पॉइंट वाली बात है ना। लेकिन आपके चैनल को वो प्रमोट नहीं करता है, पब्लिक को नहीं भेजता है। अगर पब्लिक को नहीं भेजता है यूट्यूब तो इसका मतलब क्या हो, यानी कि उसका एक कमाने का जरिया मान लो या कुछ भी हो, जो भी हो मैं नहीं जानती गाइस। लेकिन पता नहीं क्यों यूट्यूब सपोर्ट नहीं कर रहा है कि पब्लिक को रिकमेंड नहीं कर रहा है। अगर अच्छा नहीं चलेगा और अच्छा क्वालिटी नहीं है वीडियो की गाइस, मैंने कई वीडियोज़ भी ऐसे देखे हैं यूट्यूब में, ना क्वालिटी अच्छा है, ना वॉइस अच्छा है, ना प्लेस अच्छा है, कुछ भी नहीं, लेकिन लाखों करोड़ों व्यूज़। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यूट्यूब कहना क्या चाहता है या करना क्या चाहता है। ये सेटिंग करो, वो सेटिंग करो, ये करो। मैंने कई क्रिएटर का वीडियो देखा है, मैंने बहुत सारे सेटिंग्स किए हैं, बहुत सारे टैग्स लगाए हैं, बहुत से डिस्क्रिप्शन में हैशटैग का यूज़ किया है, कुछ नहीं होता है गाइस। मैंने बहुत देख लिया, कुछ नहीं होता है। मेरा पिछला चैनल यही करते 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 मेरे चैनल में आ गया था स्ट्राइक। पता नहीं कैसे किस चीज़ का स्ट्राइक आ गया था, भगवान जाने। हो सकता है कि किसी का वीडियो मैंने यूज़ किया होगा, क्योंकि 500 उसमें 3500 वीडियो मेरा पड़ा हुआ था गाइस। लेकिन अब हो सकता है उसमें कोई कॉपीराइट रहा होगा या जो भी हो, जो भी रीज़न हो पता नहीं, लेकिन वो चैनल मेरा डेड हो गया। अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को पता है कि किस तरीके से डेड हुए चैनल का वीडियो मिल जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरा मेंशन कर देना किस तरह से वीडियो मिल पाता है। और मैं आप लोगों से क्या कहूँ गाइस, मैं बस भगवान के आप लोगों के भरोसे पे से वीडियो में स्टार्ट करती हूँ बनाना। और इस चैनल को प्लीज़ मेरा डेड होने से बचा लीजिए आप लोग, प्लीज़ से रिक्वेस्ट है। तो बात करते हैं तो मेरा चाय ठंडा हो रहा, तो मैं फटाफट से चाय छान लेती हूँ। प्लीज़ गाइस आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, आप लोग सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेगा। इसमें क्या बताऊँ आपको, इसमें से ब्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे, रेसिपीज देखने को मिल जाएंगे, शॉर्ट्स वीडियो है वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस इधर मैंने चाय छान लिए तो चलो गाइस चाय पीते पीते तो हम लोग का चलते चलते हैं, चाय पीते पीते बात करेंगे। शाम का समय है तो थोड़ा सा मैं लाइट जला लूँ, लाइट जल गई है, ये मेरा पूजा घर है, देख सकते हो, ये देखो वो है मेरा पूजा घर। कैसा है मेरा पूजा घर कमेंट सेक्शन में बताना, कैसा लगा मेरा पूजा घर। ओके चलो बाहर चलते हैं, शाम का समय है गाइस, आप देख सकते हो व्यू कितना अच्छा है। अब ये पूरा हरियाली भी देखते हैं, देखो तो अभी मैं आ गई, मैं दूर से पूरा दिखा दीजिए, देखो उधर है मेरा कमरा, इधर है पूरा छत, उधर है मार्केट, इधर है बहुत बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं। अच्छा है ना व्यू, बहुत अच्छा। सो प्लीज़ गाइस मेरे इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करो, प्लीज़ 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 प्लीज़। कितना सुंदर लग रहा है ना व्यू गाइस, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर है। उधर है रास्ता, तो गाइस आप लोग से यही कहना चाहते हैं, अगर आप भी एक यूट्यूबर्स हो, आप लोग कहे कि ये सेटिंग करो, वो सेटिंग करो, ये सेटिंग करने से ये होता है, वो सेटिंग करने से होता है, ये सब बकवास है, किसी की बात आप ना सुने, अपने काम पे ध्यान दें और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़ गाइस प्लीज़। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा,
तो एक बार फिर से, अगर आप मेरे चैनल में नए हो, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और रमज़ान की आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। अदरक वाली चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। ऐसा व्यू हो और चाय हो, वो देखो वो छत से खड़े होकर देख रही है। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक खुश रहें।